हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएन शर्मा, माय सेल्फ नितिन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का थर्ड चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था वॉल्स। तो वॉल्स में हमने इसके पांच पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, आज हम करेंगे इसका छठा पार्ट करेंगे, सिक्स्थ पार्ट करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में हम देखने वाले हैं यहाँ पे स्टील आर ट्यूबुलर्स का फोल्डिंग्स, ठीक है। स्टील आर ट्यूबुलर्स का फोल्डिंग के बारे में हम देखेंगे, स्टील आर ट्यूबुलर्स का फोल्डिंग। इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील्स का फोल्डिंग इज सिमिलर टू दैट ऑफ द ब्रिक लेयर और मेसन्स का फोल्डिंग। तो ये ब्रिक लेयर और मेसन्स का फोल्डिंग के जैसा ही है। द प्राइमरी डिफरेंस आर, इसमें प्राइमरी डिफरेंस क्या है, इसमें फर्क क्या है हम देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टिम्बर स्टील ट्यूब ऑफ डायमीटर ऑफ 40 mm टू 60 mm आर यूज, ठीक है। तो इसमें हम जो स्टील ट्यूब्स यूज करते हैं, जहाँ पे हम टिम्बर यूज करते थे, इसमें हम यूज करते हैं स्टील ट्यूब्स यूज करते हैं, ठीक है, जिसका डायमीटर जो होता है 40 mm टू 60 mm के बीच में होता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग रोप लैशिंग स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टील कपल्स आर यूज फॉर फास्टनिंग, ठीक है। इसमें हम रोप लैशिंग यूज नहीं करते, मतलब जो भी हम पीछे ब्रिक लेयर्स का फोल्डिंग हमने देखी थी या मैसन्स का फोल्डिंग में देखी थी, तो वहाँ पे हम रोप्स रस्सी का यूज करके जो भी हम जो टाई करते हैं, फास्टनिंग करते हैं, जो भी हम शोर्स लगाते हैं जो उसको फास्टनिंग करते हैं, वो हम रोप लैशिंग से करते हैं। लेकिन इसमें हम यूज करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ स्टील कपल्स, स्टील कपल्स यूज होते हैं जिससे कि जिसको हम यूज करते हैं फास्टनिंग के लिए, ठीक है। देन Then instead of fixing the standards into the ground, it is placed on the base plate, ठीक है। इसमें इसको हम ग्राउंड में फिक्स नहीं करते, मतलब इसको ग्राउंड में फिक्स करने की जरूरत नहीं होती। जो भी हमारे पास ये स्टील ट्यूब्स होती है, इसको ग्राउंड में फिक्स करने की जरूरत नहीं होती। इसको हम प्लेस करते हैं एक बेस प्लेट पे, बेस प्लेट हमारे पास बनी होती है, उस पर हम इसको प्लेस करते हैं। द गैप बिटवीन टू स्टैंडर्ड्स इन द रो इज जनरली कैप्ट विद इन 2.5 मीटर टू 3 मीटर। जो गैप होता है दो रोज के बीच में, वो 2.5 टू 3 मीटर हम रखते हैं। दिस स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड ऑन स्क्वायर और राउंड स्टील प्लेट पे। तो जो हम जो बेस प्लेट हम इसमें यूज करते हैं, उसका जो हमारे पास शेप होती है वो स्क्वायर और राउंड स्टील प्लेट हमारे पास होती है, नोन एज द बेस प्लेट। उसे हम बेस प्लेट कहते हैं बाय मीन्स ऑफ वेल्डिंग से, वेल्डिंग से हम उसको चिपका देते हैं बेस प्लेट पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, लेजर्स आर स्पेस्ड एट एवरी राइज ऑफ 1.8 मीटर। 1.8 मीटर पे हम लेजर्स यहाँ पर डाल देते हैं। इसमें लेंथ ऑफ द पुट लॉक्स आर नॉर्मली, इसमें जो पुट लॉक्स हम यूज करते हैं उसकी जो लेंथ होती है हमारे पास पुट लॉक्स की, वो 1.2 मीटर टू 1.8 मीटर के बीच में होती है। और हम इसकी अगर एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस ऑफ स्टील्स का फोल्ड्स की एडवांटेजेस की बात करें कि इसके कौन कौन से एडवांटेजेस है, कौन कौन से फायदे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास इसकी एडवांटेज है, इट कैन बी इरेक्टेड और डिसमेंटल्ड मोर रैपिडली। इसको मतलब खड़ा करना भी बहुत आसान हो जाता है, इरेक्ट करना मतलब तैयार करना भी बहुत आसान है, और इसको डिसमेंटल करना भी बहुत आसान है। इसको हम बहुत जल्दी, आसान नहीं है मतलब जल्दी कर सकते हैं इसको, ठीक है, डिसमेंटल भी जल्दी कर सकते हैं। डिसमेंटल करने का मतलब होता है उसको जब हमारा स्ट्रक्चर बन गया तो उसको हमने दूसरी जगह पर यूज करना है, तो उसको हम जल्दी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इन कंपेरिजन टू द टिम्बर्स का फोल्डिंग, टिम्बर्स का फोल्डिंग के मुकाबले में ये बहुत इजी है हमारे पास डिसमेंटल करना और इरेक्ट करना, ठीक है, जो हमारे पास टाइम को सेव करता है, और टाइम जब सेव होगा तो ऑटोमेटिकली कास्ट में हमारे पास सेव हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ मोर ड्यूरेबल देन टिम्बर, तो टिम्बर से बहुत ही ड्यूरेबल है, मतलब इसकी जो लाइफ है वो भी ज़्यादा है टिम्बर से। देयरफॉर इट इज़ इकोनॉमिकल, अगर लाइफ ज़्यादा है तो इसको मतलब ये इकोनॉमिकल हो गया। इन लॉन्ग रन की बात करें, इट इज़ मोर फायर रेसिस्टिंग, फायर रेसिस्टेंस प्रॉपर्टीज में और अच्छी होती है, तो इसका ये भी फायदा है। इट इज़ मोर सूटेबल एंड सेफ टू वर्क एट एनी हाइट्स, तो मतलब हमें ज़्यादा हाइट पर भी काम करना हो तो ये सेफ एंड सूटेबल है हमारे लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है शोरिंग, ठीक है। शोरिंग हमारे पास क्या होता है हम देख लेते हैं। शोरिंग इज लैटरल सपोर्ट फॉर एन अनसेफ स्ट्रक्चर दैट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर टेम्परेरी सपोर्ट, ठीक है। तो शोरिंग हमारे पास होता है लैटरल सपोर्ट,
ठीक है, शोरिंग इज अ लेटरल सपोर्ट, हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शोरिंग इज अ लेटरल सपोर्ट फॉर अनसेफ स्ट्रक्चर, अनसेफ स्ट्रक्चर के लिए हम लेटरल सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द टेम्परेरी सपोर्ट, ठीक है, टेम्परेरी सपोर्ट के लिए हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं लेटरल सपोर्ट, ठीक है, दीज सपोर्ट ऑन वॉल लेटरली शोरिंग आर यूज अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, तो फॉलोइंग कंडीशंस है जब हम शोरिंग यूज करते हैं, और ये शोरिंग क्या करती है, सपोर्ट है वॉल लेटरली, वॉल को लेटरली सपोर्ट करती है शोरिंग, शोरिंग सपोर्ट्स द वॉल लेटरली। तो इसके कुछ हम कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे हम यूज करते हैं इसको, शोरिंग को हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है व्हेन ए वॉल शोज साइन ऑफ बल्जिंग और ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप, तो जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वॉल है, ठीक है, अगर हमारे पास वाल है वो बल्जिंग हो रही है, बल्जिंग आउट, बल्जिंग आउट का मतलब होता है बाहर आ रही है, मतलब हम क्या बोले, अगर वाल है वो बाहर जैसे आ रही है तो हम वहाँ पे इसको यूज करते हैं, शोरिंग को यूज करते हैं। व्हेन वी हैव टू रिपेयर अ क्रैक ऑन द वॉल ड्यू टू अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन, तो अगर हमने रिपेयर करना हो क्रैक जो अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन की वजह से हुआ हो, तब भी हम इसको यूज करते हैं शोरिंग को। व्हेन एन एडजेसेंट स्ट्रक्चर इज टू बी डिसेटलमेंटल, ठीक है, तो अगर हमने कोई स्ट्रक्चर है उसके एडजेसेंट वाला, उसके साथ वाला स्ट्रक्चर हमने डिसमेंटल करना, तो तब भी हम शोर लगा देते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे। व्हेन ओपनिंग आर टू बी मेड आर एनलार्ज्ड इन द वॉल, अगर जब हमने कोई ओपनिंग बनानी हो वॉल में तो, या फिर ओपनिंग है उसको बड़ा करना हो, तो तब भी हम इसका यूज करते हैं शोरिंग का, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इसके टाइप्स हैं शोरिंग के, हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है रेकिंग शोर्स है, फ्लाइंग शोर्स है एंड डेड शोर्स है, तो ये इसके तीन टाइप्स हैं शोर्स के, तो ये हमारे पास है, ठीक है, तो इसकी हम थ्योरी नहीं देखेंगे अभी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक है अंडरपिनिंग का, ठीक है, अंडरपिनिंग का, तो हमारे पास अंडरपिनिंग क्या होता है हम देख लेते हैं। इन कंस्ट्रक्शन आर रिनोवेशन, अगर हमने कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है या फिर कोई चीज़ रिनोवेट करनी है, रिनोवेट करने का मतलब होता है कि एक बार हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, बना ली कोई चीज़, तो उसके बाद हमने उसको रिन्यू करना है, कोई उसमें क्रैक्स वगैरह आ गए तो वो उसको रिन्यू करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है अंडरपिनिंग का, ठीक है। अंडरपिनिंग क्या होता है, अंडरपिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग मतलब हमारे पास एक बिल्डिंग है ऑलरेडी बनी हुई है, या फिर कोई भी एक स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है, तो उसको हमने स्ट्रेंथन करनी है, उसकी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन, ठीक है। तो हमने फाउंडेशन स्ट्रेंथनिंग करनी, मतलब फाउंडेशन को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग या फिर एग्जिस्टिंग कोई स्ट्रक्चर है उसकी फाउंडेशन को हमने स्ट्रेंथनिंग करना है, तो उसको हम बोलते हैं अंडरपिनिंग, ठीक है। अंडरपिनिंग में भी नेसेसरी फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, तो वैरायटी ऑफ रीजन है जिसके लिए नेसेसरी अंडरपिनिंग, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, द ओरिजिनल फाउंडेशन इज इन स्ट्रांग और स्टेबल इनफ, तो हम अगर स्ट्रेंथन कर रहे हैं फाउंडेशन को, तो इसका मतलब हो गया कि वो जो फाउंडेशन है वो पहले से इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वही लिखा है द ओरिजिनल फाउंडेशन इज इन स्ट्रांग और स्टेबल इनफ, तो वो जो है स्ट्रांग नहीं है और स्टेबल नहीं है, इसलिए हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ठीक है। द यूसेज ऑफ द स्ट्रक्चर है चेंज, जो यूसेज है स्ट्रक्चर की वो चेंज हो गई है, क्योंकि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था जिसके अकॉर्डिंग हमने बोला था कि इतना लोड हम उस पर अप्लाई करेंगे, तो हम हो सकता है ज्यादा लोड अप्लाई कर रहे हो, तब भी हमें फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करना पड़ सकता है। The properties of the soil supporting the foundation may have changed possibly through subsidence or were mischaracterized during design, ठीक है। तो एक ये भी रीजन, ये रीजन है सारे, एक ये भी रीजन हो सकता है कि जो हमारे पास साइल की प्रॉपर्टीज है, जो हम जिसपे हमने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसपे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो हो सकता है उसमें कोई डिजाइन करते टाइम पे हमने कोई गलती की हो, तो उस केस में भी हमें अंडरपिनिंग की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द कंस्ट्रक्शन ऑफ नियर बाय स्ट्रक्चर्स necessitates the excavation of a soil supporting existing foundation, ठीक है।
तो हमारे पास एक ये भी रीजन है कि जो हमारे पास नियर बाय स्ट्रक्चर है उसमें हमें एक्सकवेशन करनी पड़े, और उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन है वो उसमें कोई दिक्कत आए तो तब भी हमें अंडरपिनिंग की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इंक्रीज द डेप्थ और लोड कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फाउंडेशन। अगर हमने डेप्थ इंक्रीज करनी है एग्जिस्टिंग फाउंडेशन की, या फिर लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो हमने इंक्रीज करनी है एग्जिस्टिंग फाउंडेशन की, तब भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इट इज मोर इकोनॉमिकल ड्यू टू लैंड प्राइस आर अदरवाइज टू वर्क ऑन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर फाउंडेशन देन टू बिल्ड ए न्यू वन। ठीक है, तो वो अगर हम बात करें इसमें, ये मोर इकोनॉमिकल है, मतलब ज़्यादा हमें सस्ता पड़ जाएगा कि हमारे पास जो फाउंडेशन ऑलरेडी है उसको हम स्ट्रेंथन करें, इन कंपेरिजन टू अगर हम नए स्ट्रक्चर की फाउंडेशन तैयार करें। ठीक है, नए स्ट्रक्चर की फाउंडेशन हमें तैयार करनी पड़ेगी तो हमें ज़्यादा खर्चा आएगा, और जो पुराना स्ट्रक्चर है उसी के फाउंडेशन को अगर हम अच्छा बना देंगे तो हमारे पास जो है पैसा भी बच जाएगा और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम देख लेते हैं, इसमें है अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट और अदर नेचुरल कॉजेज हैव कॉज्ड द स्ट्रक्चर टू मूव, रिक्वायर्स स्टेबलाइजेशन ऑफ फाउंडेशन साइल्स एंड आर फुटिंग्स। तो अगर हम बात करें जैसे कि अर्थक्वेक हमारे पास होता है, जैसे कि भूचाल आ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट, ड्रॉट होता है सूखा पड़ना, ड्रॉट एंड अदर नेचुरल कॉजेज हमारे पास हैव कॉज्ड द स्ट्रक्चर टू मूव, तो ये हमारे पास कॉज करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो मूव करे, मतलब स्ट्रक्चर मूव हो सकता है उससे, तो उस केस में हमें स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है, स्ट्रक्चर की जो फाउंडेशन साइल है उसको स्टेबलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें हम अंडरपिनिंग यूज करते हैं। ठीक है, अंडरपिनिंग में भी अकम्प्लिश्ड बाय एक्सटेंडिंग द फाउंडेशन इन डेप्थ और ब्रेथ, सो इट आइदर डस ऑन मोर सपोर्टिव साइल सेटम और डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स लोड अक्रॉस ग्रेटर एरिया। ठीक है, तो जो अंडरपिनिंग हम करते हैं तो कैसे करते हैं, तो अंडरपिनिंग में मोस्टली हम डेप्थ या विड्थ को हम बढ़ाते हैं, जो फाउंडेशन की डेप्थ और विड्थ है उसको हम एक्सटेंड करते हैं, उसको हम बढ़ाते हैं, तो उसको बढ़ाने से क्या होगा, जो एरिया हमारा होगा, एरिया जो होगा जिसपे जो स्ट्रक्चर रेस्ट करेगा वो ज़्यादा हो जाएगा और वो ज़्यादा सपोर्ट करेगा सॉइल को। ठीक है, और स्ट्रक्चर को एन अल्टरनेटिव टू अंडरपिनिंग इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द साइल बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राउट, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग यूरिथेन बेस्ड इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर रीजन। ठीक है, तो हम ग्राउटिंग के हेल्प से भी ये कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरपिनिंग में भी नेसेसिटी वेयर पी क्लास प्रॉब्लम साइल्स इन केस एरिया ऑफ द साइट आर एनकाउंटर्ड थ्रू सीमेंटिक चेंज द वर्ड अंडरपिनिंग हैज इवॉल्व टू एनकंपास ऑल एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स दैट सर्व एज ए फाउंडेशन। ठीक है, तो ये आपको रिमेम्बर कर लेना है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.